नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री का पावन 101वां प्रकाट उत्सव पर श्री चरणों में शत शत नमन चरण वंदन करता लक्ष्मी नारायण तिवारी, संदीप महंत झांसी घाट, गोविंद दुबे, देवरी कला नीलेश तिवारी, सरपंच मुगली, सहकारी समिति उमरिया, गोपाल यादव गोटेगांव। जबलपुर के पनागा क्षेत्र से निकला धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। गौरतलब हो कि बीते कुछ दिनों में पनागा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के खिलाफ आम आदमी पार्टी के एक नेता के द्वारा अपनी फेसबुक वॉल से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके जवाब में एक व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज करने की मांग की गई। चूंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आम आदमी पार्टी के नेता की ID हैक हो जाने की बात करते हुए पूरे मामले से किनारा कर लिया है। SP ऑफिस पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना एक अपराध है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता की ID हैक करके इस तरह की पोस्ट की गई। अर्थात जबलपुर पुलिस से हमारा अनुरोध है कि मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई की जाए। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने आम आदमी पार्टी का ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है, जो वहाँ के पार्षद, भाजपा के पार्षद दीपांशु नामदेव द्वारा दर्ज करवाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के राजेश वर्मा जी ने कोई पोस्ट शेयर की है और उससे उनकी भावना आहत हुई है। और वही पक्ष रखने आज हम लोग ग्रामीण एडिशनल SP श्री शर्मा जी के पास आए थे कि वर्मा जी ने ना कोई ऐसी पोस्ट शेयर की है, और यदि किसी हैकर द्वारा ये ID हैक करके ऐसी संभावना है कि यदि कर दी हो तो उन्हें जानकारी नहीं है। और धार्मिक रूप से हम लोग कभी इस विषय पर पढ़ते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह भगवान बजरंग बली और हनुमान जी की भक्त है, और केजरीवाल जी हमारे हमेशा हनुमान जी को मानने वाले हैं, और उनके अनुयायी, उनके भगवान जी के प्रमुख बाबा बागेश्वर धाम के भी अटूट श्रद्धा उनके प्रति है। और ऐसी कोई पोस्ट जो है यदि हुई होगी और उस पर कोई आरोप लगा होगा तो उसका हम खंडन करते हुए और इसको जो है उस कार्रवाई को तुरंत रोकने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिस माध्यम से ये पोस्ट आई है उस पोस्ट में, उस पेज में 1000 लोगों ने शेयर किया है, 1000 लोगों ने शेयर किया है, और उस पेज में ऐसी हजारों पोस्टें डली हैं, ऐसे हजारों पेज चल रहे हैं जो फेक ID से चल रहे हैं, उन पेजों को बंद कर। और आज हम सब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। रामकिशोर शिवरे, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।